यहाँ हमें एक क्यूबॉइडल रूम का इंटरनल मेजर्स गिवन है अब हमें फाइंड करना है इस रूम के चार वॉल्स को व्हाइट वॉश करने का टोटल कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हमें गिवन है रुपीज फाइव पर मीटर स्क्वायर और फिर हमें ये भी फाइंड करना है कि अगर हमें इन चार वॉल्स के साथ सीलिंग को भी व्हाइट वॉश करना है तो इस केस में टोटल कॉस्ट क्या होगा देखो total cost of हो जाएगा जाएगा हमें हमें जितने एरिया को करना है उसको अगर हम cost per meter square से करें तो हमें total cost मिल जाएगा. अब देखो हमें टोटल कॉस्ट दो के लिए find करना है पहला है चार वॉल्स को व्हाइट वॉश करने का टोटल कॉस्ट और दूसरा है चार वॉल्स

तो इसका लेंथ हो गया 12 मीटर ब्रेथ हो गया 8 मीटर और हाइट हो गया 4 मीटर अब हम चार वॉल और सीलिंग का एरिया फाइंड करेंगे तो पहले हम चार वॉल का ही एरिया फाइंड कर लेते हैं तो देखो यहाँ इस वॉल को अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल है और इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ये पूरा व्हिच इज हाइट सिमिलरली अगर हम इस वॉल को भी देखें तो इसका भी एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट अब अगर हम साइड वॉल्स को देखें तो ये भी तो रेक्टेंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा ये पार्ट बेस इनटू ये पूरा हाइट और इसका भी हो जाएगा बेस इनटू हाइट अब देखो हमें चार वॉल के एरिया में दो बार लेंथ हाइट मिल रहा है और दो बार ब्रेथ हाइट तो इसका एरिया हो जाएगा टू इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट अब हाइट को हम कॉमन ले लेंगे तो हमें एरिया मिल गया टू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ अब बस इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा अब हाइट हमारा है फोर लेंथ है ट्वेल्व और ब्रेथ है एट अब ट्वेल्व प्लस एट हो गया ट्वेंटी और फोर इंटू ट्वेंटी करेंगे तो हमें मिलेगा एट्टी तो ये

तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, which इज इक्वल टू 12 इनटू 8। अब 12 इनटू 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 टू से 16, 8 वन से 8 प्लस 1 9, 96 मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ़ सीलिंग मिल गया 96 मीटर स्क्वायर।